बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। तो सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी कि इतने दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे हैं। ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीना हो गया कि मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी फॉर दैट। कोई मेरे पास एक्सक्यूज़ नहीं है, मतलब बहाना नहीं मारूंगा। इट जस्ट कि कंटेंट नहीं था तो नहीं डाल पाया, काम में बिजी था, कहीं जा भी नहीं पाया, कुछ हुआ नहीं। अब करते हैं अब आने वाले व्लॉगों की बात। तो अब मेरे पास फुली कंटेंट होने वाला है क्योंकि मेरी कज़न की मैरिज है। तो मेरी जो बुआ की लड़की है उसकी मैरिज है अभी, क्या कहते हैं, दो तीन दिन उन्हीं के फंक्शन चल रहे हैं। तो आई विल रिकॉर्ड एवरीथिंग और मैं सब कुछ डालूंगा। हमने डांस प्रैक्टिस भी करनी है, हमने डांस परफॉर्मेंस करनी है, उसके लिए भी सब सारी प्रैक्टिस जैसे जैसे हो रही है। सारे कज़न्स वगैरह जो उसका रियल ब्रदर है वो भी ऑस्ट्रेलिया से आ रखा है, जो कि मन्नू है। तो यस, सारे कज़न्स वगैरह इकट्ठे होंगे। तो ये जो वाला जो पार्ट है, जो पर्टिकुलर ये पार्ट है, ये मैं सब कुछ होने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ऐसा मतलब वो हो नहीं पा रहा था, ऐसा मेरे को जगह नहीं मिल पाई थी क्योंकि शोर शराबा हर एक बच्चे गाने बज रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो यस, इस करके मैं ये वाला पार्ट उस टाइम वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि बहुत शोर शराबा था। तो मैं ये चीज़ आराम से पहले शांति से एक्सप्लेन करना चाहता था कि हाँ भाई ऐसे ऐसे सीन होना। तो यस, फॉर नाउ अब आप आगे के तीन चार व्लॉग आराम से इंजॉय करो। तो फर्स्ट व्लॉग मेरा जो ये वाला व्लॉग है, इसमें है शिवा का होने वाला है, क्योंकि वो सारे फंक्शन से पहले जो भी होने थे पहले शिवा का व्लॉग है, जो ये पर्टिकुलर व्लॉग है वो शिवा का व्लॉग है। और इसके बाद फिर मेहंदी का व्लॉग आएगा, फिर हल्दी का व्लॉग आएगा और फिर शादी का व्लॉग आएगा। तो यस, स्टे ट्यून्ड, सारे व्लॉग्स एक एक करके आप देखना। एंड यस, दैट्स इट फॉर नाउ। और बाकी अब आप सारे व्लॉग अपने एंजॉय करो। अब मैं डांस प्रैक्टिस दिखाता हूँ, पहले जो हम बीच बीच में करते आ रहे थे, और फिर अपना शिवा वाला व्लॉग कंटिन्यू होगा। ठीक है, चलो। ठीक है। इसमें तुमने क्या करना, बस एक ऐसे आदमी एक सी ऐसे हम लोग ऐसे आ रहे ना। थोड़ी आवाज तो कर दे, आवाज है ही नहीं, आवाज है ही नहीं। सो दिस इज़ द डे जिस दिन फर्स्ट फंक्शन था, जो कि था शिव विवाह बुआ के घर पे। और मैं उस दिन ऑफिस गया हुआ था, शाम को मैं ऑफिस से घर आया बुआ के घर पे और मैंने अपने कपड़े कपड़े चेंज करे और मैं फिर नीचे गया और उनको ज्वाइन करा सभी लोगों को। और आगे का यू गाइस एंजॉय।
ये घोड़ा बना उधर मुंह करके आप इधर आ जाओ। ओ फेरे होने लगे गौरा के मम्मी क्या कचे कुड़ी दी पापा पापा पापा
ये इनकी चटनी देखो और ये इनकी शक्ल देखो। और ये आपका ब्लॉगर देख लो, इसको पसीने आ गए पर फिर भी नहीं छोड़ रहा। अब चटनी पकड़ो कोई और, इस चटनी पकड़ी। अबे सभी लोग मिला दिए, उसके बाद ही मारे हम। ये देखो मेरे को पकड़ा के खुद का। पसीने देख, इसको फिर भी नहीं छोड़ रहा। मेरे को चटनी पकड़ा के पीछे पीछे लेके जा रहा है। बाहर आके ही चैन आ रहा था भाई, अंदर तो बहुत उमस हो रखी है। सब सब चीजें लेके घूम रही है। भाभी भाभी कुछ कहो, भाभी को सुनो, भाभी को श्रेय पीछे आओ, ऐसे देखो देखो पहले हाथों को ये उंगली ऐसे करनी है। हाथ को घुमाना है, हाथ को खब्बे हाथ से कर ले। अरे ऐसे नहीं,